नमस्कार दोस्तों, मैं आदिति आप सभी लोगों का करंट अवेयर नेशनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइजेक गैस लीक। स्टाइन नामक एक गैस लीक हुई है हमारी एलजी पॉलीमर प्लांट से, जो कि है विशाखापट्टनम में 7 मई को रात को 2:30 बजे। ये गैस लीक होने के बाद 1000 से 1500 लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और 800 के आसपास लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, जिसमें से 11 लोगों की डेथ हो गई। लगभग 10,000 टन के आसपास ये गैस है वो लीक हुई है, जो 3 किलोमीटर रेडियस में फैल गई है, जिसे ज़्यादा सबसे इफ़ेक्ट हुए हैं आसपास के 5 गांवों। और ये सिर्फ 1500 किलोमीटर दूर है वाइजेक सिटी से। और जो श्राइन गैस है हमारी, ये लीक हुई है स्टोरेज टैंक ऑफ एलजी कैम पॉलीमर से, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 1961 में, जो ओरिजिनल जिसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर्स। बाद में एक साउथ कोरियन कंपनी ने इसे ओवरटेक कर लिया और इसका नाम चेंज करके एलजी पॉलीमर्स कर दिया। ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है जनरल पर्पस पॉलीस्ट्रीन एंड हाई इंपैक्ट पॉलीस्ट्रीन, एक्सपेंडेबल पॉलीस्ट्रीन एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स। ये सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है विशाखापट्टनम सिटी से। और ऑफिशली इसके अंदर 1800 टन का श्राइन था, जिसकी कैपेसिटी है 2400 टन, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज, जो कि केमिकल श्राइन है, इसे इंक्लूड किया गया है शेड्यूल ऑफ मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ केमिकल रूल 1989, जिस रूल के अंदर ये बताया गया है कि जितनी कैपेसिटी है उससे कम ही कोई भी गैस है उसको स्टोर करना है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज। और ये गैस तब लीक हुई जब 44 डेज के लॉकडाउन के बाद प्रिपेयर हो रहा था ये फैक्ट्री दोबारा से रीओपन करने के लिए। और इस गैस को मेंटेन करने के लिए 20 डिग्री का टेम्परेचर होना ज़रूरी है, जो जिसको कॉन्टीन्यूसली मेज़र करना है, हम बोले मॉनिटर करना पड़ता है। जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम भी 15 इंजीनियर वहाँ पर रह के ये सब चीज़ें मेंटेन करते थे, इसका टेम्परेचर और बाकी सब चीज़ें भी। जैसे ही इसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, उसके अंदर इनहिबिटर ऐड कर दिया जाता है उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए। और एट द एलजी कैंप एन इबिटर टैंक इज अटैच टू द स्ट्राइन स्टोरेज टैंक बट इज़ फेल टू स्टेबलाइज इन द टाइम। लेकिन जिस दिन ये हमारी गैस है वो लीक हुई 7 मई को, जब टेम्परेचर राइज हुआ उस टाइम पे इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम पे इनिबेटर ऐड उसमें नहीं कर पाए। स्ट्राइन गैस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला C8 और H8 है, जो कि ड्राइव होता है हमारा बेंजीन से C6H6। स्ट्राइन गैस को 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और इसको वेनिलाइन बेंजीन या इथलाई बेंजिल और या फिनलाई बेंजिल भी बोला जाता है। स्ट्राइन गैस इज़ अ कलरलेस ऑयली लिक्विड और ये क्विकली बहुत जल्दी हवा के अंदर फैल जाता है, जिस हिसाब से हवा की स्पीड है, और ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, लाइक हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर, फूड पैकेजिंग और डिस्पोजेबल कप, फैन ब्लेड्स और बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी। हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि हमारा अभी वाइजेक के अंदर ये लीक हुआ है, अराउंड 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर फैल गया है, तो इससे शॉर्ट टर्म हेल्थ इश्यूज़ उस टाइम पे आए होंगे जब ये लीक हुआ होगा, लाइक हमारा आइज़ में इरिटेशन, आइज़ में इचिंग होना, गैस्ट्रियल इश्यूज़ होना और रेस्पिरेटरी में भी इशू होना। और इसके लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हो सकते हैं कैंसर और डिप्रेशन इन सम केसेस। और इसके दो कैंसर हम बोल सकते हैं, एक हमारा ल्यूकोमिया और एक लाइफोमा। ल्यूकोमिया हमारा ये बोन मैरो कैंसर होता है और लाइफोमा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है। अभी राइट नाउ ये अंडर कंट्रोल है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न था हमारा कोविड-19, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी थी, लाइक हमारे एम्बुलेंस तैयार थे, वेंटिलेटर्स तैयार थे, और जो भी आसपास का जो 5 किलोमीटर का रेडियस है जहाँ पे भी लोग थे वहाँ पे, और जो 5 गांव के जो सबसे ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए हैं उन लोगों को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, और जिन लोगों को ट्रीटमेंट जो देनी थी वो दे दी गई। और एलजी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक केमिकल चाहिए जो इस जो गैस फैली है इसको न्यूट्रलाइज कर सके। वो केमिकल हमारा PTBC 500 किलो वो केमिकल मंगवाया गया गुजरात की एक केमिकल फैक्ट्री से, और आसपास के एरिया को जहाँ जहाँ पे गैस फैली थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और सरकार ने इसमें पेनल्टी भी दी है 50 करोड़ की, जो जो डैमेज हुआ है विशाखापट्टनम के अंदर। और आंध्र प्रदेश के CM ने कहा है जो जो लोगों की इनसे मृत्यु हुई है उनको 1 करोड़ रुपया
दिया जाएगा और 10 लाख से 25 हज़ार तक दिया जाएगा जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।